हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा मस्त हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए मरीन ड्राइव घूमने के लिए। ये सब मेरे फ्रेंड्स से हाय गाइस, हाय बोलो यार। तो अभी हम लोग यहाँ पे घूमना आए हैं, हम लोग काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं, सनसेट का वेट कर रहे हैं। और जो मुंबईकर्स होंगे वो तो पहचान गए होंगे गाइस, ये मरीन ड्राइव है। तो और जो नॉन मुंबईकर्स होंगे उनको बता दूँ, ये मरीन ड्राइव मुंबई की फेमस जगह है जहाँ पे सब घूमने आते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रील्स वगैरह सब शूट कर रहे थे, फोटोज अभी लेंगे सनसेट होगा। तो कैसा लग रहा है आप सबको? ये सब मेरे फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स बने कॉलेज में। यार जोश दिखाओ यार क्या। अभी कॉलेज में ये सब न्यू फ्रेंड्स ही बने। तो अभी हम लोग का फर्स्ट ट्रिप है साथ में, और भी जगह हम लोग घूमेंगे। सनसेट मतलब हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। और यहाँ पे सब गाइस हाय तो करो, हेलो हाय। तो यहाँ पे हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। देन कितने बजे जाएंगे घूमने? अभी तक आया नहीं है सनसेट, अच्छे से हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करना है तो लोकल ट्रेन। यहाँ पे हम लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं, व्यू देखो गाइस। हम लोग रेडी, मतलब अभी हम लोग जाने लग गए, बच गए कुछ समथिंग 7 PM हो गए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की, और यहाँ पे व्यू देखो, मतलब सनसेट हो गया बट इतना प्रिटी भी नहीं हुआ जितना लाइक एलिजल होता है। ये मेरी गैंग है, आधे लोग चले गए और आधे हम लोग ही बचे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाओ गली में, वहाँ पे कुछ खा के विल गो होम। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, मतलब हम लोग अभी तक प्रिटी सनसेट देख रहे थे, हम लोग आराम से बैठ के देख रहे थे। बच्ची किसी गए, आधे लोग चले गए घर पे क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा था, बट हम लोग को सनसेट देखना था इसलिए हम लोग जा रहे थे। ये देखो कुछ ऐसा व्यू है। तो अभी हम लोग जाएंगे खाबली में कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। देन हम लोग कुछ खा के फिर लोकल ट्रेन से हम लोग जाएंगे। तो अगर मेरे पास टाइम बचा अगर हुआ तो आपको लोकल ट्रेन का भी दिखाऊंगी सबसे पहले। मुंबई की ट्रैफिक गई, मुंबई हाई कोर्ट एंड स्टिल वी आर वॉकिंग। बहुत पेट में गुड़गुड़ हो रही है, खाओ गली ढूंढ रहे कहाँ पे है। तो हम लोग चल रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, ब्लॉगिंग भी नहीं किया जा रहा है। बहुत टाइम बाद गाइस मैं अपने ब्लॉग में आ रही रहूँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं ब्लॉग में आप सबसे जुड़ूँगी। आप लोग को मतलब कोई कोई जो नहीं, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। वैसे तो ममता ने ऑलरेडी व्लॉग की शुरुआत कर दी है और बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज़ हो रहे होंगे क्योंकि नए नए लोग जुड़े रहते हैं तो उनको नहीं पता रहता है। अगर आपने कुछ महीने पहले के व्लॉग देखे होंगे तो ममता घर आ रही थी, और ममता मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, वो मुंबई में रहती है, तो वहीं की उसने वीडियो क्लिप भेजी हुई थी। काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कल तो ये गाँव के व्लॉग डाल रही थी, अचानक से मुंबई कैसे चलेगी? तो मुंबई घूम के तो आप लोग आ गए हो। अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड से, और ममता अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। जब वो कुछ टाइम पहले गांव आ रही थी ना, तो लगभग 15-20 दिन लगातार उसके साथ ब्लॉग आ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को ना अटैचमेंट हो जाती है। तो जब वो मुंबई जा रही थी तो लोगों की डिमांड थी कि जब ममता मुंबई जाएगी तो वहाँ से जब घूमने जाएगी या कहीं भी जाएगी तो वहाँ से वीडियो क्लिप भेजना मोनिका को, और वो ब्लॉग में ऐड कर देगी। तो कुछ दिन पहले ही जब वो कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ गई थी घूमने के लिए, तो उसने मैंने उसे बोला था कि वहाँ पर ब्लॉग बनाना, फिर मुझे सेंड कर देना। तो उसने ब्लॉग बनाया था, मतलब ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उसके फ़ोन में चार्ज नहीं था, लेकिन जितना भी बना पाए मैंने आप लोगों को दिखाया। और ममता के लिए ढेर सारे कमेंट करना क्योंकि वो ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती है और गाँव को भी बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। अगर हो पाएगा तो शायद अक्टूबर या नवंबर में वो घर आएगी अगर उसकी छुट्टी होगी कॉलेज की, तो फिलहाल उसके लिए जी भर के कमेंट कर लेना क्योंकि वो कभी कभी वो ऐसे वीडियो भेज पाएगी क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि उसका भी कॉलेज रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग ममता के लिए ढेर सारे कमेंट करना। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों? तो ममता ने जो वीडियो बनाई थी वहाँ मुंबई से भेज रखी है वीडियो बना के, तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अच्छी वीडियो बनाती है ममता, हम तुझे भी बहुत याद करते हैं, जो तेरे दोस्त हैं उनके लिए भी ढेर सारा प्यार, सपोर्ट करते रहना बेटा, और जल्दी घर आना, और जल्दी घर आ जाना। हाँ। हम सब देख रहे हैं वीडियो तेरी अभी। हाँ। तो यहाँ पे सब चाची लोग बैठे हैं, यहाँ पे हमारी दूसरी चाची बैठी है। हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते दोस्तों, आप ठीक होंगे? हम भी बहुत अच्छे दोस्तों, और अपनी ममता के लिए ढेर सारा प्यार,
और जो उतने वहाँ पे सारे लोग हैं उनके लिए भी ढेर सारा प्यार। हाँ, जितने भी बच्चे थे उनके दोस्त हमारे यहाँ पे दूसरी चाची भी बैठी। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी को अच्छे होंगे, अभी हम भी बहुत अच्छे हैं। और ममता के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं, जो ममता ने ब्लॉग बना के भेजा हमारे लिए, हमने वो ब्लॉग देखा। ममता को बहुत बहुत बधाई। ममता जब दोबारा घर आएगी तो अच्छी अच्छी इससे भी अच्छी वीडियो बनाना, वीडियो भेजते रहना, हम तेरा भी पूरा सपोर्ट करेंगे ममता। बिल्कुल। और यहाँ पे सिंगर चाची। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो ममता, आई मिस यू ममता, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। हाँ। और दोस्तों को भी बहुत सारा प्यार हमारा। हाँ। तो ममता ऐसी वीडियो बनाते रहना बेटा, आपकी बहुत याद आते हैं हमें। आई मिस यू ममता। और बने हाथ में घर आ जाना, अब बने हाथ में जरूर घर आ जाना। हाँ। यहाँ पे इकट्ठा घर के वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल, ममता को भी अभी याद आ रही होगी, जब वो घर पे रहती थी तो हम सब लोग ऐसे बैठे रहते थे। अमीषा कुछ बोलना चाहोगे? तो हम सब लोग ऐसे बैठे रहते थे शाम को, तो अभी ममता को पक्का याद आ रही होगी। बैठे रहते हैं तो ममता यहाँ की वीडियो देखेगी, उसे याद आ जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम सब लोग शाम को ऐसे बैठे रहते हैं, गप सप मारते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा भाई अनमोल, जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़े होंगे उनको नहीं पता रहता है। तो ये है 10th क्लास में और अभी स्कूल जा रहे हैं। तो इसके लिए कमेंट आ रखे थे, क्या कमेंट आ रखा था, तूने भी देखा था? बाल। हाँ, कि इसके बाल कटवाओ। तो मैं इसको कितने दिन से बोल रही हूँ कि बाल कटवा ले, लेकिन क्यों नहीं कटवा रहा जरा बताना। चुपली बांध दी है? नहीं। तो लंबे बाल पसंद है? हाँ, लंबे बाल पसंद है, लेकिन अभी स्कूल में है तो स्कूल के हिसाब से रहना पड़ेगा, छोटे बाल रख के। ठीक है, तो कुछ दिन में इसके बाल कटवाएंगे। अभी तक तो मतलब पिछले महीना सावन चल रहा था, इस वजह से नहीं कटवाए, लेकिन इस महीने तब दूसरे महीने बर्थडे। हाँ, अब फिर अब अगले महीने से बर्थडे लग जाएगा, तो इसलिए जल्दी कटवाने पड़ेंगे बाल। ठीक है, तब बाय बाय। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो रास्ते में दादी लोग घूमने आ रखे हैं रोड साइड, तो दादी लोग मिल गए यहाँ पे मुझे। हेलो दादी, हेलो बोला। हेलो। दादी लोगों ने बोला हमारी भी वीडियो बना, बल फोटो खींच बोला हमारी। तो शौक ना वही चाहे शौक भी कब आकर शौक पूरा वही तब है। ठीक से तब बैठा रहा हुआ, बर्फ लगी थी अभी, घर आता सभी। और तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में ना आप लोगों ने अभी तक देखा होगा स्टार्टिंग में मुंबई के नज़ारे, मुंबई के ट्रैफिक, और अभी देखिए उत्तराखंड के नज़ारे, पहाड़ों के नज़ारे। तो आजकल ना पहाड़ों में डेली बारिश आ रही है, और बारिश आने के बाद कुछ इस तरह के नज़ारे हो जाते हैं पहाड़ों में, पूरा कोहरा कोहरा लग जाता है। तो अभी भी कोहरा लगा हुआ है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग खूब पसंद आया होगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप लोग मुंबई घूम के भी आ गए, ममता से भी मिल लिया, ममता के दोस्तों से भी मिल लिया, घर में मम्मी लोगों से भी मिल लिया। तो दो दो जगह के ब्लॉग आज कम्बाइंड हो गए। तो ममता के लिए खूब सारे कमेंट करना और उससे डिमांड करना कि जल्दी से वो नेक्स्ट ब्लॉग लेके आए अपने दोस्तों के साथ या फिर कॉलेज का। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ममता के लिए ढेर सारे कमेंट करना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।